संक्षिप्त स्कंद प्राण के नागर खंड के उत्तरार्थ में विश्वामित्र तीर्थ एवं रत्नादित्य की महिमा धनवंतरी आदि के रोग से मुक्ति ऋषि बोले हाटकेश्वर क्षेत्र में जो तीन पुण्यदायक क्षेत्र हैं उनका वर्णन हमने सुना अब हम विश्वामित्र जी के तीर्थ का महत्व सुनना चाहते हैं सूर्य ने कहा विप्रवरो विश्वामित्र जी के गुणों का पार नहीं है वे क्षत्रि कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गई राजा त्रिशंकु अंत्यज भाव को प्राप्त थे तो भी उनके यज्ञ में उन्होंने प्रत्यक्ष यज्ञ भाग भोगी देवताओं का निर्माण किया पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ स्पर्धा करके विश्वामित्र जी ने नूतन सृष्टि रचना प्रारंभ की थी उस समय देवताओं ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें इस कार्य से विरत किया था श्रेष्ठ ब्राह्मणों महात्मा विश्वामित्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में बिना किसी शस्त्र के लिए शस्त्र के केवल अपने हाथ से कुंड निर्माण किया था जो सब पात्रों का कर नाश करने वाला है उसके भीतर ध्यान करके उन्होंने पाताल गंगा को बुलाया उसका निर्मल जल पाताल से मृत्यु लोक में प्रकट हुआ है जो परम स्वादिष्ट तथा स्नान करने से सब पात्रों का नाश करने वाला है उन्होंने वहां भगवान सूर्य देव को भी स्थापित किया जो मनुष्य सप्ती एवं रविवार के संयोग में माघ मास के शुक्ल पक्ष में सूर्य उदय के समय उस शुभ कुंड में स्नान करता है वह समस्त कुष्ठ रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है उस कुंड के पश्चिम और उत्तर कोण में धनवंतरी द्वारा निर्मित एक वापी है जो महान जल राशि से परिपूर्ण है वे सब रोगों का नाश करने वाली है पूर्व काल में वहां उदार बुद्धि धन्वंतरी जी ने पूर्वक सूर्य देव का ध्यान करते हुए तपस्या की धीर काल के पश्चात भगवान सूर्य उन पर संतुष्ट हुए और बोले वर मांगो तो धनवंतरी ने कहा प्रभु जो मनुष्य पूर्वक इस कुंड में स्नान करें उनके सब रोगों का नाश हो जाए तब तो भगवान जी कहने लगे आज के उत्तम दिन रविवार एवं सप्तमी के शुभ योग में जो मनुष्य एकाग्र चित तो होकर सूर्य उदय काल में स्नान करेगा उसके सब रोग नष्ट हो जाएंगे ऐसा कहकर सूर्य देव अंतर ध्यान हो ब्राह्मणों एक समय पूर्व क्रम के फल स्वरूप राजा धन्वंतरी को कुष्ठ का रोग हुआ जिसकी चिकित्सा तीनों लोगों में असंभव हो गई संसार में कोई ऐसी दवा नहीं थी जो उन्होंने ना की हो कोई दान नहीं जो उन्होंने ना दिया हो वे जो जो दवा करते और दान देते थे त्यो त्यो रोग बढ़ता ही जाता था और उनसे उनका शेर अत्यंत दुर्बल होता जाता था तब उन्हें इस जीवन से वैराग्य हो गया और उन्होंने पुत्र को राज्य पर बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाने की इच्छा की ब्राह्मणों को दान देकर देवताओं का पूजन किया फिर मित्रों एवं हितेशियों से मिलजुल कर वार्तालाप करके पुत्र को कर्तव्य का उपदेश दिया इसके बाद वे अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुए इतने में ही शिक्षा घूमता हुआ कोई दिव्य रूपधारी तीर्थ यात्री वहां पर आ पहुंचा उसने राजा के संपूर्ण नगर को व्याकुल देखकर किसी से पूछा ये समस्त नगर व्याकुल क्यों है तो उसने कहा यहां के राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं अतः स्त्री सही अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे इसी से संपूर्ण नगर में व्याकुलता छा रही है ये सुनकर वह तीर्थ यात्री शीघ्र राजा के समीप गया और सबको जीवन दान देता हुआ बोला राजन एक तीर्थ है जहां सब रोगों और व्याधियों का नाश हो जाता है उसके रहते हुए आप अग्नि में प्रवेश मत करें पपाल जैसा आज आपका शीर है ऐसा ही पहले मेरा भी था रविवार और सप्ती का योग आने पर जो रोगी मनुष्य सूर्योदय के समय उस तीर्थ में स्नान करता है वह क्षण भर में सब रोगों और पापों से मुक्त होकर दिव्य शीर पा लेता है उसका कायाकल्प हो जाता है तो राजन ने पूछा ऐसा तीर्थ किस देश में है शीघ्र बताओ तीर्थयात्री बोला इस भूतल पर एक उत्तम क्षेत्र है वहां भगवान जलशय के पश्चिम और उत्तर दिशा में विश्वामित्र जी का परम पुण्य में तीर्थ है वे नगर नाम से प्रसिद्ध नगर है वहां जाकर तुम भी रविवार सप्तमी के योग में स्नान करो जिससे तुम्हारा रोग और पातक नष्ट हो जाए ये सुनकर राजा धनवंतरी उस यात्री के साथ शीघ्र उस तीर्थ में गए और वहां माघ मास की सप्तमी एवं रविवार के योग में स्नान किया स्नान करते ही वे तत्काल रोग से मुक्त हो गया और उनका शीत दिव्य हो गया तत्पश्चात उन्होंने उस तीर्थ यात्री से कहा भैया तुम्हारे ही प्रसाद से मैं इस भयंकर रोग से छुटकारा पा सका हूं अब तुम अपने घर को जाओ मैं यहीं झरने के समीप स्त्री सहित रहकर तपस्या करूंगा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठा दिया है वह राज्य शासन करने में पूर्णता समर्थ है ऐसा कहकर राजा ने उस तीर्थयात्री को तथा न्याय सेवकों को अपने अपने घर भेज दिया और स्वयं अपनी स्त्रियों सहित सुंदर आश्रम बनाकर रहने लगा समय के अनुसार तपस्या से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई तत्पश्चात वह तीर्थ उन्हीं के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। वह सब रोगों का नाश करने वाला सुंदर तथा समस्त पापों का नाशक है महात्मा राजा ने जहां देवादिदेव भगवान सूर्य की भी स्थापना की थी जो रत्न आदित्य के नाम से विख्यात हुए जो मनुष्य रविवार और सप्तवी के योग में वहाँ स्नान करके रत्न आदित्य का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य हाथ के समीप किसी गांव में कोई पुरुष रहता था जो बूढ़ा और कोड़ी था फिर भी वह सदा दूसरों के पशुओं को चराता और उसका पालन किया करता था एक समय की बात है एक पशु घास के लोभ से रास्ता छोड़कर पर्वत के नीचे चला गया और उस तीर्थ के जल में गिर पड़ा उस दिन रविवार सप्तमी तिथि का योग था उस भूडे ने जाते हुए पशु को नहीं देखा जब वह भोजन करने के लिए अपने घर गया तब उस पशु का स्वामी उसे फटकारता हुआ आया और बोला आज मेरा वे पशु घर क्यों नहीं आया शीघ्र जाकर उसे लेकर आओ नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा ये सुनकर वह कोड़ी भय से थर थर कांपता हुआ शीघ्र उस स्थान पर गया रात की अंधेरी छाई थी उसने दूर से महाकुंड में गिरे हुए पशु का आर्तनाद सुना तब उस गर्त में पहुंचकर उसने बड़ा कष्ट से उस पशु को खींचकर कीच से बाहर निकाला फिर उसे साथ लेकर धीरे धीरे घर को लौटा और उसके स्वामी को पशु सौंप कर अपनी झोंपड़ी में गया रात को तो वह सो गया सिरे उठने पर उस वड़भागी पुरुष ने जब अपने शेर पर दृष्टिपात किया तब उसे कुछ रोक से रहित तो और उत्तम शोभा से संपन्न देखा फिर उसने आश्चर्य में पढ़कर सोचा ये क्या है रोकन नाश कैसे हो गया निसंदेह ये उसी तीर्थ के जल का प्रभाव है जिसे मैंने पशु से निकालने के लिए प्रवेश किया था तब वह उस उत्तम तीर्थ में जाकर भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ तपस्या तो करने लगा अंत में उसने देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली इसलिए पूर्णता प्रयत्न करके वहाँ स्नान और भगवान सूर्य देव की पूजा करें आज के कलिकाल में भी जो मनुष्य रविवार सप्ती का योग होने पर उस पुण्य जलाशय में स्नान करता है और भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य को पूजता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है जो वहाँ देव के सम्मुख आठ हजार गायत्री का जप करता है समस्त रोगों और पापों से छूट जाता है जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वहां गौदान करता है उसकी तो बात क्या है उसके वंश में भी कोई रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं होता